आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ख्वाजा बिलाल ये किसके अंदाज में कह रहे हैं और किसकी कॉपी कर रहे हैं, ये कमेंट्स में जरूर लिखिए आप। रुकनुद्दौला के तालाब को जो बंद कर दिया गया, इस पर ख्वाजा बिलाल ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ख्वाजा बिलाल साहब को ये नहीं मालूम सलकम चेरू तालाब एक बंगलागुड़े के इलाके में जहां पर स्कूल और कॉलेज बनी है, ये तालाब को भी बंद कर दिया गया है और इस पर स्कूल और कॉलेज बनाया है। अब तेलुगु चैनलों में ये पूछा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के पास इतनी हिम्मत है कि पुराने शहर में बंगलागुड़ा के पास सलकम चेरू तालाब जो बंद कर दिया गया है वहां जाकर इस स्कूल और कॉलेज को तोड़ने की हिम्मत है, ये तेलुगु चैनल टीवी 9 कह रहा है। आइए सुनते हैं ख्वाजा बिलाल ने क्या कहा। आयस हमारी सफों में मीर सादिक और मीर जाफर की औलादो, घरों में बैठ के वीडियो बनाना बहुत आसान है, अरे हम पे इल्जाम लगाते हो और हमको ये बात कहते हो कि हमने बन रुकनुद्दीन दौला की प्लॉटिंग की है। अरे मैं आज तुमको हकायक से वाकिफ करवाऊंगा, अरे तुम जाकर अगर हिम्मत है तुम में तो तुम जाओ जाके बन रुकनुद्दीन दौला की आसपास की बस्तियों में पूछो, उनसे पूछो कि वो कितने मुश्किलों का सामना करते थे, कितने बीमारियां उनके घरों की जीनत बन गई थी, कितने मच्छरे कितना पोल्यूशन उनके आसपास की बस्तियों में घूमता था। अरे ये काम हमने किया, वहां की माए हमारे पास आती थी और आके हमको कहती थी कि अकबर भाई मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मेरा बच्चा दिन दिन भर उस बन रुकनुद्दीन तौला की तालाब के अंदर तीरता है। मैंने उसकी माँ की फरियाद को सुना, मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह तुम मुझसे काम ले ले। तो मैंने बन रुकनुद्दीन दौला को मैंने इस मंसूबे के तहत, क्योंकि वहां पर बच्चों की तबाही मैं नहीं देख सकता था, मेरे आने वाले मुस्तकबिल में मेरे बच्चे जो कल का हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होगा वो बच्चों की तबाही मैं नहीं देखना चाहता था, तभी मैंने इस बात का अमली पैरे पे मैंने काम किया। हमारे दोस्तों को, हमारे खैरखाहों को बुलाया, बुला के कहा कि मियां देखो बन रुकनुद्दीन दौला में बच्चे खेल के आवारा हो रहे हैं, यहां पर कुछ करो। तो बच्चों ने मुझे, वहां के हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि अकबर भाई एक काम करते हैं, बन रुकनुद्दीन दौला को तालाब को ढापते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ ढापो मत, ढापने के बाद वहां पर बच्चे खेलेंगे और तबाही के रास्ते पे जाएंगे, तो लिहाजा उसको मैंने प्लॉटिंग कर बेचने का इरादा किया। और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने मुझसे काम दिया कि मैं बन रुकनुद्दीन दौला बेचने में कामयाब रहा। अम्मा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खायद तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, खायद तुम पूरे तलाबा भरो हम तुम्हारे साथ है। अम्मा न करे भाई प्लीज बस। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर
की खबर है, गाँव की खबर है, सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।